नाहन में आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में एक नया मोड़ आया है। बैंक ने 3 लोगों पर नकली सोना थमाकर बैंक को लाखों रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया था, मगर अब यहां बैंक ही सवालों के घेरे में आ गया है। पुलिस जांच में ये सोना असली पाया गया है। नाहन शहर में आईसीआईसीआई बैंक ने 3 लोगों पर नकली सोना थमाकर 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, मगर पुलिस द्वारा लैब में जांच करवाए जाने के बाद ये सोना सही पाया गया है। बैंक का आरोप था कि 3 लोगों ने नकली सोना थमाकर बैंक से 17 लाख रुपए का लोन लिया है, मगर अब बैंक के आरोप गलत साबित हुए हैं। पुलिस उस FIR को भी निरस्त करने जा रही है जो बैंक द्वारा करवाई गई थी। ASP सिरमौर वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि नाहन पुलिस ने जिनका लेबोरेटरी में सोने की जांच करवाई है, उन्होंने कहा कि जिस सोने को बैंक नकली बता रहा है वे 18 कैरेट का असली सोना है, जिसके बाद अब पुलिस बैंक प्रबंधन के खिलाफ 182 के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी में है। पुलिस का मानना है कि बैंक प्रबंधन द्वारा मामले में गुमराह करने की कोशिश की गई है। शिकायत में बैंक प्रबंधन ने कहा था कि बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में सोना नकली पाया गया है, मगर अब पुलिस ने जो रिपोर्ट सामने लाई है उसके बाद बैंक प्रबंधन के भी होश उड़ गए हैं। वहीं अब प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। बैंक ने हमारे पास मामला दर्ज कराया था, उसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसमें पूरी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने जो सोना था उसको एक जो हमारे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी झुनका शिमला में है उसमें भेजा था, जो 100% यानी कि 18 कैरेट का सोना पाया गया। अब पुलिस इसमें अपनी आगामी कार्रवाई कर रही है, केस को निरस्त करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल लाई जा सकती है 182 के खिलाफ। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।